मारुति सुजुकी कट बॉक्स है, ठीक है, प्रॉपर ये है, इसके ऊपर फ्रेम लगेगा। फिर आपको अगर आप लगवाते हो तो कपलर जरूर चेक करवाना, क्योंकि लोग क्या करते हैं वायरिंग काट वाट के करते हैं, अपना वैसा काम ही नहीं है। इसकी मोटर है, ये कपलर इसमें लगेगा, कपलर टू कपलर फिट होगा, इसकी वायरिंग आई है कपलर टू कपलर, ठीक है। ऑटो कट जो होता है वो आपको अभी ऑन करके दिखाऊंगा, वन टच वाला जो होता है, वन टच क्लिक करो विंडो अपने आप नीचे, वो जरूर लगाना। मार्केट में क्या होता है, अगर स्पीकर वायर लगवा लोगे कभी भी वन टच यूज ऑन नहीं हो पाएगा, वन टच में क्या होगा वो लोग आपको झूठ बोलेंगे भाई तीन कट में नीचे आता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, ZXi प्लस में जो आता है वन टच में नीचे, वन टच में नीचे आ जाता है। सही, ये हमारे भाई का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे बोलो सारे, कमेंट में डाल देना हैप्पी बर्थडे, बाकी भाई का चैनल लाइक करो सब्सक्राइब। बाकी कोई भी नहीं करता पूरी मार्केट के अंदर, हम स्पेशल इसका फ्यूज बॉक्स के अंदर ही फ्यूज लगाएंगे इसका, क्या इग्निशन का, अच्छा कार विंडो का। इसमें जो यूट्यूब पे बाइक की वीडियो देखी थी तो वहीं से हमने देखा काफी अच्छा काम करते हैं, तो अब ये एक्सपीरियंस आज लिया तो बहुत बढ़िया काम की। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रवी सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हर्ष कार श्रृंगार पर, जो की अपना करोल बाग में है। हमारे साथ भाई भाई नाम बताइए अपना, हर्ष। हर्ष भाई हमारे साथ है, आज हमारी गाड़ी रहने वाली है 2022 मारुति स्विफ्ट LXi। हर्ष भाई उसमें अपनी गाड़ी में क्या क्या लग रहा है जो सबसे पहली चीज जिसका लोगों में बहुत क्रेज है, ठीक है, मीटर क्रेज, क्या बात है, जेन्युइन मारुति सुजुकी कट बॉक्स है, ठीक है, प्रॉपर ये है, इसके ऊपर फ्रेम लगेगा, फिर आपको फिटिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। अपना इससे ऊपर तो कोई आता नहीं, इससे ऊपर नहीं, ZXi वाला, इससे नीचे आता है VXi वाला, अच्छा, वो भी आप चाहो तो ऑन ऑर्डर मंगाएंगे, वैसे हम रखते नहीं वाला चलता नहीं, ठीक है। साथ ही साथ एक जो है अपना ये बूट ओपनर, ये भी आप ले आए हो, हाँ, बूट ओपनर का ये स्विच है, क्या करता है ये, जैसे LXi में क्या होता है ना पीछे से डिक्की खुलने का ऑप्शन नहीं होता, हाँ, वो मतलब आगे से खुलनी पड़ती है, लीवर से। अब आगे वाला ऑप्शन खत्म, अब अनलॉक करो गाड़ी पीछे से खुलेगा, बार अच्छा बार। मतलब ऑटोमेटिक, क्या बात है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये बूट ओपनर का स्विच है, एंड इसकी जो है मोटर है अपनी, ये जेन्युइन रहने वाली है, जहाँ मर्जी चेक करवा लो, फिटिंग करा लो, कंपनी में चेक करा लो, जेन्युइन चीज जेन्युइन, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक ऑटो होल्ड मिरर अपना व्हाइट कलर में रहने वाला है, किसी भाई को अगर कोई और कलर गाड़ी का, मैग्मा ग्रे कलर है, रेड कलर है, एंड जो डार्क ब्लू कलर आता है उस टाइप का है, तो वो भी हम करा देंगे फिट, मतलब अगर किसी को पियानो ब्लैक चाहिए वो भी पियानो ब्लैक भी करा देंगे, हाँ जी, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू पीस है, प्रॉपर कपलर, किसी भाई से अगर आप लगवाते हो तो कपलर जरूर चेक करवाना, क्योंकि लोग क्या करते हैं वायरिंग काट वाट के करते हैं, अपना वैसा काम ही नहीं है, वो रंग बिरंगे तारे आ जाते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ एक पावर विंडो जो अपने LXi में नहीं आती है, VXi वाली रहने वाली है, अच्छा, ब्लैक कंसोल, हाँ जी, ठीक है, ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा इसमें, हाँ। अगर भाई सिल्वर वाला आ गया तो, हाँ। वो अपना ZXi प्लस वाला है, हम जो इसमें लगाएंगे अपना ZXi प्लस वाला लगाएंगे, हाँ जी, ठीक है। हम VXi वाला वैसे लोगों को रिकमेंड नहीं करते, कोई रेट का फर्क नहीं है, मार्केट में घुमाने वाला धंधा होता है, 1000 रुपए फर्क है, 2000 रुपए फर्क है, ऐसा कुछ नहीं है, आप VXi वाला बोलो VXi लगा देंगे, ZXi वाला बोलोगे ZXi वाला लगा, क्या बात है। अपनी गाड़ी में कौन से स्पीकर लग रहे हैं, अपनी गाड़ी में टू सेट पाइनियर के कंपोनेंट्स लग रहे हैं, जो कि अपने एम्प से कंट्रोल होने वाले हैं, अच्छा, एंड एक बूफर भी लग रहा है, 4 चैनल का ऑटोबोट्स का एम्पलीफायर लग रहा है, मतलब गाड़ी में धमाका करने वाले हैं, धमाका हो जाएगा, वो आपको दिखा देंगे। एंड साथ ही साथ एक ये चीज और हम लाए हैं अपने ZXi प्लस वाले, अच्छा अच्छा, जिसकी आंखों में वो ब्लाइंड लाइन नहीं होता, हां जी हां जी, एक ये चीज अपने टॉप मॉडल वाला, कौन सा टॉप मॉडल वाला, अच्छा ऑटो नीचे, मैं इसका दूसरा, हां जी, एक बार भैया को कहूंगा दोबारा वाला दिखाना, एक बार वो अच्छा लग रहा था थोड़ा देखने में, किसी भी भाई को चाहिए हमेशा आपको स्टॉक मिलेगा इसका बूट ओपनर, ये अपना इसमें लाइट जलती है, लाइट नहीं ऐसी है, हां जी, ठीक है। ये इसकी मोटर है, ये कपलर इसमें लगेगा, कपलर टू कपलर फिट होगा, इसकी वायरिंग आई है कपलर टू कपलर, ठीक है। एक चीज और भाई, अगर पावर विंडो कोई भी मेरे भाई लगवाते हैं, हाँ। तो स्पीकर वायर कभी भी यूज ना करवाएं, अच्छा, पहली चीज, हम जो वायर यूज करेंगे सारी जेन्युइन वायर यूज करेंगे, स्पीकर वायर मार्केट में लोग यूज करते हैं, कराने को आप कराओ, आपको क्या अभी नहीं तो एक महीने बाद दिक्कत होगा, पावर विंडो की जो स्पीड है कम हो जाएगी, या फिर जैसे आपने देखा होगा आवाज वगैरह आने लगती है, वो ऑटो कट जो होता है वो आपको अभी ऑन करके दिखाऊंगा, वन टच वाला जो होता है, वन टच क्लिक करो विंडो अपने आप नीचे, वो जरूर लगाना। मार्केट में क्या होता है, अगर स्पीकर वायर लगवा लोगे कभी भी वन टच यूज ऑन नहीं हो पाएगा, वन टच में क्या होगा वो लोग आपको झूठ बोलेंगे भाई तीन कट में नीचे आता है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं, ZXi प्लस में जो आता है वन टच में नीचे, वन टच में नीचे आ जाता है, सही बात है। और साथ ही साथ मारुति जेन्युइन पार्ट मेरे भाई कोई भी लेते हो तो पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ और अभी भी यही चल रहा है 10% डिस्काउंट और मारुति जेन्युइन पार्ट्स, मतलब MRP के हिसाब से जो MRP होगी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, मारुति के सामान में 10% स्विफ्ट पे, स्विफ्ट पे, हाँ जी, ये कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, नहीं देना, हाँ जी, और किसी गाड़ी में अगर होगा तो दे देंगे, बाकी अभी तो स्विफ्ट में 10% डिस्काउंट है, ना बलिनो है ना कोई, स्विफ्ट में भी 10% डिस्काउंट है, ठीक है।
ये हमारे भाई का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे बोलो सारे, कमेंट में डाल देना हैप्पी बर्थडे, बाकी भाई का चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्या बात है भैया, हर्ष भैया को कहूंगा एक बार चले गाड़ी की तरफ, चलते हैं गाड़ी की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज लेते हैं। हर्ष भाई अपनी गाड़ी में क्या क्या काम हो गया अभी दिखा तो थोड़ा सा भाई। इसमें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें डंपिंग हो चुकी है, रियर टू डोर्स में हो चुकी है, रॉकस्टार की डंपिंग होने वाली है, एंड सिंगल सिंगल लेयर करी है, किसी भाई को अगर डबल लेयर करानी हो तो वो भी हो जाएगी। अच्छा अपनी डबल लेयर भी हो जाएगी। हाँ जी, ये अपनी वायरिंग किस चीज की, ये वायरिंग अपनी जो है बूट ओपनर की डल रही है, बूट ओपनर की, ठीक है। एंड एक चीज और आपको दिखाता हूं, ये अपनी कॉपर वायर लगने वाली है, कौन सी कॉपर की वायर होती है, ठीक है, है ना। और जो अपनी पावर विंडो की वायरिंग डली आप देख सकते हैं, सारी वायरिंग जो रहने वाली ओरिजिनल वायरिंग रहने वाली है, ठीक है, जैसे कंपनी से आता है, एंड ये प्रॉपर जो अपना काम करेगा। आपको चाबी ऑन कर देना, मतलब ये अपना आरडी का नहीं है, आरडी का कोई सिस्टम नहीं है, आप देख सकते हैं स्पीड वगैरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अपना अंदर दिखाया था वही चीज अपनी बाहर रहने वाली है, ये मोटर वगैरह सारी जो है ओरिजिनल डाली है इसकी, कोई कॉपी वाला काम नहीं है। एंड साथ ही साथ एक जो ये हैंडल है ना, ये अपना क्रोम वाला नहीं आता। अच्छा इनर हैंडल, इनर हैंडल फुल ब्लैक आता है, फुल ब्लैक। एंड साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं इसमें फुल ब्लैक वाला आता है कंपनी से, जो अपना जो बेस मॉडल में आता है उतना ब्लैक आता है, ये अपने क्रोम लगाया है, क्रोम वाला ZXI प्लस वाला इनर हैंडल करता है, ठीक है। ये अपने कंपोनेंट यहां पे इंस्टॉल हो रहे हैं, फ्रंट का स्पीकर, ठीक है, एंड्रॉइड स्टीरियो लग चुका है, नीचे फ्लोरिंग मैटिंग हो चुकी है, प्रॉपर अपना ऑटोबोट्स ब्रांड का एम्पलीफायर रहने वाला है, इसके आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। क्या बात है, ये फिलिप की है, ये फिलिप की आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के फिलिप की बनी है, ठीक है। भाई छूने में तो जेन्युइन लग रही है पूरी, ओ ये तो एकदम बाहर आ रही है, ठीक है। बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल अपना लग चुका है, वो आपको काम होने के बाद दिखाते हैं, मीटर लगाना बाकी है, मीटर लगाते हैं। और अपनी डैम्पिंग कौन सी हुई है, डैम्पिंग इसमें रॉकस्टार की हुई है, प्रीमियम सीरीज प्रीमियम हुई है, ठीक है। एक बार मैं हर्ष भैया को कहूँगा एक बार ड्राइविंग साइड चलते हैं, तो भाई भाई एक बार काम कर रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड आए हैं, तो ये अपना स्विच है, मेन स्विच जो होता है वन टच वाला सिस्टम जो आपको मैं कह रहा था, वो वन टच वाला आपको ऑन करके दिखाऊंगा, सारे वन टच देख सकते हैं, मतलब एक टच में अपना शीशा नीचे जा रहा है, कोई कहता है अपना 3 बार में नीचे जाता है शीशा, मार्केट का घुमाने वाला सीन है, बोलता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, घूमो मत मार्केट वालों की बात में, अपने पास आओ, आपको वन टच में देख लो कि वन टच की आता है, सारी नीचे की बात में लोकल लोग का स्विच भी हम चालू कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर चालू है लॉक, कोई भी अगर सस्ती वाली सेंटर लॉक लगाएगा तो वो चालू नहीं होगा, ये डिपेंड करता है अपनी सेंटर लॉक। और एक चीज और, ये जो अपना स्विच है विंडो लॉक करने वाला, विंडो लॉक करता हूँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर जो नीचे नहीं, हाँ नीचे, वो नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये हमारे भाई को तो देखा ही होगा। हाँ जी क्या बात है, और ये अपना देख सकते हैं प्रॉपर जो है काम कर रहा है, एक बार इसकी फिटिंग होने देते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। एक चीज और, ये मीटर और वायरिंग देख सकते हैं आप, प्रॉपर कपलर टू कपलर, ये कपलर टू कपलर है, इसमें आप देख सकते हैं कपलर फिट हुआ है एंड कोई वायरिंग। एक बार उस्ताद जी से बोले, उस्ताद जी एक बार अपनी कोई वायरिंग कटिंग तो नहीं हुई, नहीं सर कोई वायरिंग कटिंग नहीं, कपलर टू कपलर हुआ है, कपलर टू कपलर होता है। और एक चीज़ और बताया था मैं आपको, बाकी कोई भी नहीं करता पूरी मार्केट के अंदर, हम स्पेशल इसका फ्यूज बॉक्स के अंदर ही फ्यूज लगाएंगे इसका, क्या इग्निशन का, अच्छा पावर विंडो का, इसमें जो पावर विंडो का है ना प्रॉपर फ्यूज के साथ फिटिंग करेंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है प्रॉपर फ्यूज के साथ फ्यूज बॉक्स में हम लगाएंगे तब पावर विंडो ऑन करेंगे, मतलब आफ्टर मार्केट कुछ नहीं रहने वाला, मार्केट वाला वैसा कोई सीन नहीं है, प्रॉपर कंपनी, मतलब तार लगाई हो गया, चलो जी तार लगाई, स्पीकर वायर लगाया हो गया, हमारा ऐसा कोई काम नहीं, स्पीकर वायर वगैरह वाला काम ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब यही अपनी ये क्या चीज है, ये भैया अपना जो पुरानी बूट ओपनर में ये आती है ना मोटर, वो वाली मोटर है, इसमें मतलब अच्छा जिससे अपनी गाड़ी खुलती है। हाँ जी ठीक है, इसमें क्या है अपना 2 पिन है, आप देख पा रहे होंगे खाली इधर 2 पिन है, आगे नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है ना अपनी रियर से 4 पिन है। एक चीज और, इसमें देख सकते हैं आप, ये कपलर है कंपनी से जो है, आप देख सकते हैं प्रॉपर कंपनी वाली वायर है, तो हमने वायरिंग नहीं कटिंग करी, ये कपलर गया, इसमें कपलर इसमें डल जाएगा, ठीक है, ये फिट, कोई चेंज वगैरह नहीं, ठीक है, ये अपना। और जो हमने अंदर दिखाया था वो चीज यहाँ लगेगी, अपनी यहाँ लगेगी, ठीक है, वो अपने भाई के पास है, कुछ प्रॉपर जो है पेंच के साथ इसे फिट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें साथ ही कोई कटिंग तो नहीं करी, कोई कटिंग नहीं हुई, आपके सामने ये देखो कपड़ा लगके लग चुका है इसमें। हाँ इसमें तो अपना कपड़ा लग चुका है, जो इसकी वायरिंग आगे जा रही है वो वाली वायरिंग इसमें लग जाएगी, ठीक है, मतलब अच्छा इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इजी है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ये ज्यादा मुश्किल है जिनको टैलेंट है उनके लिए इजी है, अपने को देखने में तो आसान ही लग रहा है, बस हो गया, हो गया अपना ऑटोमेटिक लगा देंगे, अपनी होगी फिर टॉप मॉडल, तो ZXI प्लस बन गए अलॉय के साथ, अलॉय देख लो आप 16 इंच के, इसमें अलॉय डले हैं,
क्या बात है। पहले 14 इंच आ गया तो इसमें 95, 55 और 16 टायर डाला। इसमें टायर भी चेंज किया, सीएट का टायर डाला 95। जो अपने पुराने टायर थे वो क्या करा उसको? पुराने टायर उसको अच्छा रिप्लेस करते हैं। ठीक है, हमने रख लिए पुराने टायर। ठीक है, रिप्लेस हो गया ना एक तरह का, अल्टा पलटा। ठीक है, अगर किसी को प्यारा प्यारा काम कराना है स्विफ्ट का, भैया कहाँ पर आना है भाई? किसी को अगर कपलर टू कपलर काम कराना है, प्रॉपर टॉप मॉडल बनानी है, क्या बात, तो हर्ष का श्रृंगार में आना है, करोल बाग में। ठीक है, और अपना एड्रेस है 16/11 RD चैम्बर, करोल बाग, नियर सतब्रामा स्कूल, आर्य समाज रोड, न्यू दिल्ली। क्या बात है, पहला भाई होगा जिसने पूरा एड्रेस बोला। पूरा ऑब्लिक सब बोला भाई ने। भाई बोलना पड़ता है, क्या बात, लोग क्या होते हैं 10 रोड पीछे, कहते भाई मैं आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, आओ या तो कॉल, आपको नंबर दिख रहा होगा, कॉल करो, आपको सीधे लोकेशन चल जाएगी। गाइस अपनी कंपनी से ये वाली टेल लाइट आती है, भाई ने थोड़ी सी आफ्टर मार्केट टाइप आ गई है, ये जो व्हील एंड वाली टेल लाइट कहते हैं, तो एंटी करा रही है गाड़ी का तो पूरा। इसमें आपको ना स्मोक कलर मिलने वाला है, स्मोक रेड कलर। एक बार ब्रेक दबा के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, ब्रेक दबाना उस्ताद जी, ब्रेक दबाओ एक बार, ये गाड़ी तो एंटी करा रही है, ये लाइट लगा के, तो ये लाइट कस्टमर को नेक्स्ट वीक लगानी है, अगर हुआ तो वीडियो का पार्ट 2 भी, इसका पार्ट 2 भी दिखाएंगे, टेल लाइट का यही गाड़ी रहेगी अपनी, रेड कलर। अभी भैया का बजट नहीं हो पा रहा तो अभी मैं आपको खाली चेक करवाऊंगा भाई, ये अपनी तो बिल्कुल ही सिंपल लग रही है। हाँ जी, मतलब स्पोर्टी लुक नहीं आ रही, ZXI प्लस तक ऐसी टेल लाइट देती है और ये हम थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था कंपनी वालों को, हमने आफ्टर मार्केट वाली, दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा आपस में। और साजी मजा किस में आ रहा है? नहीं ये क्या राइट में ZXI वाली मजा आ रहा है, ये ZXI वाली नहीं है, वो ये वाली है, कहां खोए हो, ये ZXI वाली है ना, ये ZXI वही है। ठीक है, ये ZXI कैसे हो सकती है साजी? कुछ खा पी के तो नहीं आए? बता दो, आफ्टर मार्केट वाली है, व्हील एंड डिजाइन। हाँ, ये आफ्टर मार्केट वाली है, ये आफ्टर मार्केट वाली है, व्हील एंड। ये भैया को कुछ नहीं पता, माइंड मत करना, ठीक है, माइंड मत करना इनको, थोड़ा अपना मस्ती के लिए था, आगे जब तैयारी हो रही है। हाँ भैया, अब आ गई हमारी मीटर की बारी, ये इसमें अपना पूरा पूरा मीटर है। हाँ, कुछ नहीं करना, ये अपना कपलर है। ठीक है, ये कपलर निकाला मैंने। ठीक है, अपना अच्छा, ये पीछे जो जैक था अपना। हाँ जी, ये जैक है, ये अपना इधर है पॉइंट। ठीक है, ये लिया। अच्छा, प्लगिंग प्ले है, प्लग एंड प्ले है, कोई कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं जी। ठीक है, आओ अपने पास लगवाओ भाई, देख लो भाई पूरा कपलर लगा रहे, ये नहीं अपनी तार खेलती पीछे, ये लग गया मीटर ऑन, लाइट आ गई। ठीक है, एक सेकंड आपको गाड़ी स्टार्ट करके सारी चीज चेक करा देता हूँ। पहली तेल की लाइट आ गई, ये लॉक फंसा, यहाँ पर अपने दो पेच लगेंगे। ठीक है, स्टार्ट है गाड़ी, पता ही लगता ना पेट्रोल में। RPM आप देख सकते हैं, प्रॉपर वर्क है, फ्यूल कम है तो फ्यूल का दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई अपना अलर्ट वगैरह का लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई वार्निंग लाइट, कोई वार्निंग लाइट कुछ नहीं। ठीक है, हाँ जी, अब इसमें आप देख सकते हैं कूल हीट वाला भी आ गया, अभी शोरूम से गाड़ी आई है डायरेक्ट, अभी नंबर भी नहीं लगा, नंबर भी नहीं लगा भाई ने, पहले इंटीरियर खोल दिया सारा, पहले करोल बाग में गाड़ी आई है, अभी ना घर गई ना मंदिर गई, क्या सीधे गाड़ी आई है करोल बाग, आते ही खोल दी भाई ने, खोल दी भाई, और खोल भी दी और ZXI प्लस बना भी दी भाई को, पीछे दुख हो रहा है, अपनी गाड़ी खोल दी। कोई नहीं भाई, अब ZXI बनवानी है तो कर कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, भाई को पैक करने देते हैं, फिर बात करते हैं आगे। भाई अपनी गाड़ी में पूरा कंप्लीट कहाँ तक हो चुका है अपना काम? पूरा, पूरी गाड़ी जिसे कहते हैं ना ZXI, ZXI बन चुकी है, सिर्फ एक हेडलाइट छोड़ के। क्या बात, वो भैया नेक्स्ट वीक जो बताया आपको पार्ट 2 वीडियो डालेगी उसमें लगेगा होगा। ठीक है, इसमें जो अपना देख सकते हैं आप, न्यू पीस, ब्रांड न्यू पीस, कोई सेकंड हैंड पीस नहीं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगाए गए हैं। ठीक है, अच्छा अपनी तो बेस मॉडल है। हाँ, बेस मॉडल है तो उसमें ये भी नहीं आता, आप देख सकते हैं नीचे वाला जो ऑप्शन आता है ये अपना ZXI प्लस में आता है, लेकिन नॉर्मल स्टीयरिंग कवर सी लगे है। किसी भाई को ओरिजिनल वाला चाहिए, आपने देखा वो जो ZXI प्लस वगैरह में आता है वो चाहिए OEM वाला, वो अपने पास मिल जाएगा, ZXI प्लस वाला अपना स्टीयरिंग अपने पास मिल जाएगा। ठीक है, जब मर्जी आ जाओ आपको 7 डेज स्टॉक मिलेगा। क्या बात, डैशबोर्ड पे जो पत्ती आती है ZXI प्लस वाली अपनी, सिल्वर जो ग्रे टाइप में आती है। हाँ, सिल्वर कलर कहते हैं, सिल्वर कह दो, ग्रे कह दो, कोई बात नहीं, वो लगा दिए गए। एंड्रॉइड स्टीरियो विद प्रॉपर फ्रेम, प्रॉपर, कोई अपना गैप नहीं, कोई गैप नहीं, आप देख सकते हैं सारी जगह से प्रॉपर फ्रेम है, ब्रांड न्यू कार है। प्लस क्या है, इसका जो है क्लाइमेट कंट्रोल अभी हम चालू करने की कोशिश में है, जैसे चालू होगा आप ही की चैनल पे आएगी, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया, अभी तक किसी ने करा है, किसी ने भी नहीं करा क्लाइमेट अभी, किया ही नहीं, कोशिश की है, हम भी वही कोशिश में लगे पड़े हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये लगाया गया
जिसमें आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक प्रॉपर काम कर रहा है, सिल्वर लाइनिंग देख लो, कोई स्क्रैच नहीं है सिल्वर लाइन पे। दोबारा अनलॉक करना, लॉक अनलॉक, ठीक है, लॉक अनलॉक। एंड ये जो सिल्वर लाइन है इसपे कोई स्क्रैच नहीं है, ZX सही वाला ही, ZX प्लस वाला प्रॉपर, ZX प्लस वाला, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर कोई भाई चाहे ऑटो फोल्ड वाला स्विच लगाना तो वो लग जाएगा, भैया ने ऑटो फोल्ड नहीं लगवाया, ठीक है, ठीक है। एक ही आप देख सकते हैं वन टच वाला जो सिस्टम आपको बताया था, मेरा हाथ पीछे है, ठीक है भैया, ठीक है। ऊपर दोबारा आपको करके दिखाता हूं, दोबारा तो अपना चढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब वन टच में ही अपना नीचे जा रहा है। साथ ही साथ आप ये जो आपको क्रोम वाला हैंडल मैंने दिखाया था, ठीक है, ये वो लगा दिया गया है। अब उस साइड भी देख सकते हैं, और सिल्वर लाइनिंग जो है बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ZXi प्लस वाला ट्विटर शैश आता है वो भी इसमें लगाया गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी तो इसमें कटिंग करके लगाया था हमने, कटिंग करके लगाया था, तो मेरे को, मैंने खुद कस्टमर को रिकमेंड करा, नहीं भैया ये मेरे को भी सही नहीं लग रहा, हाँ। वो लगाता हूँ, बाकी जो पैसा होगा अपने में कर लेंगे। उसमें ना सर जम नहीं रहा था, मतलब जम नहीं रहा था, मजा नहीं आ रहा, पूरी गाड़ी ZXi बन रही है, वो अलग से लगा हुआ अच्छा नहीं लगता, छोटी मोटी आइटम है उसमें क्या देखना। एंड साथ ही साथ जो जिसका क्रेज आजकल ज्यादा चल रहा है, मीटर विद प्रॉपर फ्रेम, मीटर की तो बात ही अलग है, मीटर विद प्रॉपर फ्रेम, मीटर भी हमारी गाड़ी में भी आने वाला है भैया, की गाड़ी में भी डालेंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में। एंड साथ ही साथ ये RPM पूरा वर्किंग है, आप देखो ना, दिखाया भी था अपना कपलर टू कपलर, कपलर टू कपलर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया ही है। बाकी जो छोटी मोटी एसेसरी होती है वो भैया को कॉम्प्लीमेंट्री ही दी गई है, ठीक है। मीटर में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ जिंदगी भर, जिंदगी भर में कोई दिक्कत आ जाए उसके लिए मैं बैठा हूँ। और बताइए एक चीज और, सीट कवर में लोग बोलते हैं लाइफ टाइम वारंटी दे दूंगा, हाँ। वो दे दूंगा, ऐसा अपना भाई कुछ नहीं बोलेगा, अपना भाई बस इतना बोलेगा अगर हाँ 7-8 साल के अंदर कोई दिक्कत आएगी भाई के पास लाओ, भाई करके देंगे, सीधे चेंज करके देंगे, वो भी आपके साल में 7-8 साल भाई है, कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे पास लाइए हम करके देंगे, क्या बात है, बात। एंड लाइफ टाइम की तो मतलब मेरे को नहीं लगता, लाइफ टाइम में मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है, कर तो देंगे भाई, आता भी है लाइफ टाइम वाली सीट कवर, मगर उसमें क्या है ना भाई थोड़े दिन बाद स्मेल छोड़ने लग जाता है, पपड़ी छूटती ही छूटती है, ठीक है। एक ये जो सीट कवर है ना खींचते खींचते फट जाता है, लाइफ टाइम बोल रहे 10 साल बाद आएंगे, कहाँ ध्यान, कौन आता है 10 साल बाद जी, बाकी 8 साल की मेरी गारंटी है, कभी भी आ जाओ, गाड़ी अपनी पुरानी हो जाएगी, सीट कवर कहीं नहीं जाएगा, गाड़ी पुरानी हो जाएगी भाई, बंदे चलाने वाले गाड़ी से थक जाएंगे मगर सीट कवर से नहीं थकेंगे, क्या बात। हाँ जी, और भी अपनी गाड़ी में और अंदर क्या क्या हुआ, मैट डले हैं, ग्रास, मैट डले हैं ग्रास वाले, इसके नीचे जैसे आपको मैटिंग दिखाई दी, जिसमें मैंने पैर रख के अपना गंदा कर दिया, वो तो मैट डले इसलिए। एंड अब चलते हैं दिखाते हैं और काम, कस्टमर का रिव्यू लेते हैं, भाई का बर्थडे है, दोबारा बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे बोलो सारे, हैप्पी बर्थडे कमेंट में डाल दो भाई, हैप्पी बर्थडे भाई, गोलू मोलू सा है यार, कुछ बोलना चाहोगे, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, भाई का भी धंधा है तुम्हारा है, हाँ जी, क्या बात है, बोलो एक बार, मार्केट ब्लॉगर से अपना, और मेरा पर्सनल चैनल है मार्केट ब्लॉगर, मार्केट ब्लॉगर, हाँ जी, सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करना है मेरे को, मत करना बेशक इसको कर देना, भाई के चैनल को भी, क्या बात है, चले फिर अंदर कस्टमर का रिव्यू देने, ठीक है। हर्ष भाई अपना गाड़ी का थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो, अपनी गाड़ी में बाहर से क्या क्या लगा, अंदर से तो आपने बता ही दिया, अंदर से आपने देख लिया है, बाकी ये डोर वाइजर लगाए गए हैं, ठीक है, ब्रांडिंग के साथ फुल ब्लैक, ये अपने गैलियो में है, कैसे, ये अपने नॉर्मल है, नॉर्मल गैलियो में किसी भाई को चाहिए वो भी मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगा, ठीक है, क्रोम लगाए गए गैलियो ब्रांड का, अच्छा ये अपना गैलियो का, कोई इसमें रस्टिंग तो नहीं आएगी, नहीं नहीं, 1 साल की गारंटी होती है इसकी, डोर गार्ड लगाए गए हैं, बाकी अलॉय व्हील आपको दिखाई दिए थे, हां 15 इंच जो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, फॉग लैंप एक लगी है, ये अपने ब्लैक कलर साइड में रहते अपना ब्लैक कलर, नॉर्मल इंडिकेटर लगा, इंडिकेटर लगा, अच्छा लगाया था, नहीं इसके अंदर था, नहीं कुछ भी नहीं था, अच्छा कुछ खोखली गाड़ी आई थी, मेरे को लग रहा था उसमें पहले, नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, नहीं था, तो यही लगाया है, इंडिकेटर लगाया, भाई ने कुछ नया लगाया, कुछ इंडिकेटर को छुपाने के लिए, इंडिकेटर को अलग साइन ना दिखे, क्या मतलब, अलॉय तो देख लो, अलॉय जो आपको दिखाई दी है, ये फॉग लैंप लगाए गए हैं विद जो फ्रेम है ना, फ्रेम जेन्युइन यूज करता हूं, आफ्टर मार्केट ही जेन्युइन फ्रेम यूज करके, ठीक है, अपना ऊपर तो हेलोजन ही रहने वाला है, भाई की प्लेट, हर्ष श्रृंगार की, अब ये प्लेट हटा देंगे, यही भाई है, ऐसी बात नहीं, प्लेट हटा देंगे भी हर्ष श्रृंगार वाली, ऐसे थोड़ी लेके जानी है, ऐसे नहीं फिर तो फिर तो दुकान भी साथ साथ जाएगी, ठीक है, बाकी ये भाई को बोलूंगा थोड़े से पिलर ब्लैक करने को, वो भैया नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो रैपिंग करनी है वो गाड़ी, एंड बाकी होगा तो इस गाड़ी का पार्ट दिखाएंगे, बाहर के लिए इतना ही काम था, कस्टमर रिव्यू दिखाते हैं, ठीक है, बैक कैमरा एक लगाया भाई, देखो भूरा, मेरे को सब याद दिलवाना पड़ रहा है, एक ही अपनी हर्ष का श्रृंगार वाली प्लेट यहाँ पर भी, चलो और एक ही बैक कैमरा, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ।
ठीक है। मैं हर्ष भैया को कहूँगा एक बार कस्टमर का रिव्यू ले लेते हैं। हाँ जी आ जाओ भैया। आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपका नाम? अमित। कहाँ से आए हो? रोहिणी सेक्टर 22। भाई को तो भूल ही गए भैया। आपका नाम? मेरा नाम विकास। विकास, विकास भाई। और आपका? अमित। अमित भाई। और मेरा नाम हर्ष। ये देखो सारा खराब कर भाई दिया। सबसे पूछ लो, मेरे से भी पूछ लो। ठीक है भैया, आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा अपने भाई का, हर्ष भाई का? बहुत अच्छा। हमने यूट्यूब पे भाई की वीडियो देखी थी, तो वहीं से हमने देखा काफी अच्छा काम करते हैं, तो अब ये एक्सपीरियंस आज लिया तो बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, मतलब मजा आया पूरा? बहुत मजा। सर्टिफाइड हो पूरा? कस्टमर को रिक्वायर्ड करोगे आने के लिए? बिल्कुल भाई। बाकी आपके सामने जो मारुति जेन्युइन पार्ट लगे, कहीं स्पीकर वायर यूज तो नहीं? नहीं, प्रॉपर ओरिजिनल वायर, कोई वायर कटिंग नहीं? वायर कटिंग। साउंड आउटपुट वगैरह सब बिल्कुल मस्त, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। कोई दिक्कत तो, कोई कंप्लेंट तो नहीं है? डिस्काउंट वगैरह जो थे 10% वो सब मिले आपको? बिल्कुल। कोई दिल में बात है बता दो। ना ना, नहीं नहीं, जो भैया जो काम करवाया है वो अपनी तरफ से फुल, जैसा फीडबैक है कस्टमर खुद बता रहे हो। क्या बात है, मतलब दिल में कोई बात नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। लाइक शेयर कमेंट सब करना है भाई, भाई के चैनल को। और हाँ, मारुति जेन्युइन 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट ले जाओ अपनी स्विफ्ट पर। हाँ ओके, टिल देन बाय, चंगा जी।